आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। इस साल हमने सोयाबीन की कीमतों में काफी उठापटक देखी है। वायदा और हाजिर दोनों बाजारों में काफी उतार चढ़ाव रहा है। पहले सोयाबीन डीओसी आयात के चलते सोयाबीन किसानों के हाथ कुछ नहीं लगा था, बल्कि खाने के लाले और पड़ गए थे। जब से भारी बारिश ने सोयाबीन की फसलों को तबाह किया और किसानों ने अपनी सोयाबीन को स्टॉक करना शुरू किया, तब से कीमतों में कुछ सुधार देखने को मिला है। सोयाबीन किसानों को अब जाके कहीं सोयाबीन के दाम कुछ सुधर कर मिलना शुरू हुए हैं। आपको बता दें कि बुआई के समय सोयाबीन के बीजों की काफी किल्लत थी। किसानों ने महंगा बीज खरीदकर इसकी बुआई की थी। किसानों ने लगभग 10,000 रुपए क्विंटल की दर से सोयाबीन बीज खरीदकर इसकी बुआई करी थी। वर्तमान में वायदा और हाजिर में सोयाबीन औसतन लगभग 6,500 रुपए क्विंटल के करीब है और अभी भी किसानों की लागत नहीं निकल पा रही है और सोयाबीन पर एक के बाद एक कीमतें नीचे लाने के प्रयास किए जाने लगे हैं। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने साफ बोल दिया है कि सोयाबीन डीओसी का आयात नहीं किया जाएगा, जिससे सोयाबीन किसानों ने राहत की सांस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लेस देता है खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।